नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे आज जो है हम ये एबीसी कंपनी का जो नेटवर्क है उसको एक्टिवेट करने वाले हैं। यहाँ पे इसने आईएसपी के साथ में कांटेक्ट किया है, तो आईएसपी जो है ये क्योंकि बहुत छोटा सा नेटवर्क है, तो आईएसपी ही क्या करेगा यहाँ पे इसका नेटवर्क जो है, यानी कि डीएससीपी जो है वो यही मैनेज करना चाहता है। तो यहाँ से जो है आईएसपी किस तरह से अपने ही राउटर से इस तरफ भी कर रहा है, हमारा आईएसपी जो है इस तरफ भी हमारा डीएससीपी इस क्लाइंट का भी कर रहा है जो कि एक सोसाइटी है, और एबीसी को भी किस तरह से करेंगे तो हम यहाँ पे चलते हैं। और इससे पहले चलो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस हम क्या लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 222.150.222.150.11.1/30 की इसकी सबनेटिंग करेंगे, हम सबनेट वैल्यू यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे आईपी एड्रेस 122.150.11.2 डालेंगे और इसकी सबनेट वैल्यू भी होगी 30। और इसी तरह से हम इसी को जो है यहाँ पे 222.150.11.5/30 वाली आईपी एड्रेस हम यहाँ पे लेने वाले हैं, और यहाँ पे लेंगे 222.150.11.6/30। और यहाँ पे जो कंपनी के अंदर जो नेटवर्क चलने वाला है वहाँ पे हम यहाँ पे आईपी एड्रेस डालेंगे 192.168.100.100.0/24 का नेटवर्क जो है यहाँ पे असाइन होने वाला है। तो यहाँ पे इसको करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे आईएसपी के राउटर से ही हम क्या करते हैं शुरुआत करते हैं। तो ये आईपी एड्रेस यहाँ पे होगा, ये आईपी एड्रेस जो है ये एक्चुअली यहाँ पे रहने वाला है इसके साथ में, और ये आईपी एड्रेस हम यहाँ पे कॉन्फिगर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सब चलते हैं सबसे पहले आईएसपी के राउटर पे, और आईएसपी के राउटर पे चल के जो है इसको कॉन्फिगर करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाके एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फिगरेशन पे, और यहाँ पे इंटरफेस F0F1/0, और इस पे जाके आईपी एड्रेस हम साइन करेंगे 222.150.11.1 255.255.255.252, और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। तो ये कर दिया। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पे कौन सा ये नेटवर्क यहाँ पे एडवर्टाइज करने हैं वो भी हम यहाँ पे जो प्रोटोकॉल चल रहा है अभी कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है उसको देखने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं शो आईपी प्रोटोकॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोटोकॉल चल रहा है, और ये क्या है हमारा EIGRP 1 चल रहा है। तो EIGRP के अंदर जो है हम यहाँ पे जो नेटवर्क हमने डिफाइन करा है उसको एडवर्टाइज करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और लिखते हैं यहाँ पे राउटर EIGRP 1, और यहाँ पे नो ऑटो समरी कर दें क्योंकि हम सबनेटिंग कर रहे हैं, पहले किया है कि नहीं करा पता नहीं, इसलिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो इसके बाद हमने नेटवर्क कौन सा यहाँ पे चला रहे हैं 222.150.11.0, हम इसमें क्लासफुल नेटवर्क ही एडवर्टाइज कर देते हैं तो सारी चीज़ इसमें कवर हो जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि DSCP जो है असाइन करना है, तो IP DHCP और यहाँ पे जो है पूल डिफाइन कर देते हैं उसी कंपनी के नाम से ABC, और यहाँ पे इसको जो है नेटवर्क रहेगा 192.168.100.0 255.255.255.0, और इसका डिफॉल्ट गेटवे रहने वाला है 192.168.100.1, और इसका जो DNS रहेगा वो ISP ने जो प्रोवाइड करना है वो 192.168.10.2, जो कि ये ISP के खुद का ये DNS सर्वर का IP एड्रेस है वो हमने देना है। इसके बाद हम यहाँ पे ये हमारा काम खत्म हो गया है, तो यहाँ से हम बाहर चलते हैं, इसको बंद करते हैं। अभी चलते हैं यहाँ पे सेकेंड राउटर के ऊपर, और यहाँ पे जाके हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, चलते हैं CLI मोड पे एनेबल करते हैं, और यहाँ पे चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे इंटरफेस F1/0, और यहाँ पे जाके इसको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं 222.150.11.2, और इसको 255.255.255.252, और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। ये कर दिया हमने, और यहाँ पर भी हमने क्या करना है एग्जिट करना है, और एग्जिट करके यहाँ पे भी कौन कौन सा प्रोटोकॉल्स हैं हम यहाँ पे नेटवर्क कौन कौन से वो एडवर्टाइज करने हैं, राउटरिंग कॉन्फ़िगर करना है, तो हम यहाँ पे राउटर EIGRP 1, और इसको कर देते हैं नो ऑटो समरी, और यहाँ पे जो है नेटवर्क कर देते हैं 222.150.11.0। ये कर दिया, आप देख सकते हो इसकी जो है नेट नेबर इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद हम यहाँ से एग्जिट करते हैं और यहाँ पे सेकेंड इंटरफेस पे जाते हैं F0/1, जो कि ये ISP की ने जो है इस ABC कंपनी के खुद के उसकी जो ऑफिस के अंदर लगाया है। तो इसको आईपी एड्रेस हम असाइन करेंगे, तो यहाँ पे रहेगा 222.150.11.6, नहीं यहाँ पे रहेगा 5, और यहाँ पे 255
255.255.255.252 और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। तो ये भी हमने कर दिया यहाँ पे, ये हमारा इस राउटर के ऊपर भी काम खत्म हो गया। अब चलते हैं फाइनली इस राउटर के ऊपर जो कि उसके ऑफिस में लगाया ABC कंपनी के एक ISP ने, उस राउटर पे भी जाके हम एनेबल करते हैं और यहाँ पे चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। यहाँ पे होस्ट नेम चेंज करके यहाँ पे कर देते हैं ABC और ISP लिख देते हैं, ABC कर देते हैं ISP_ABC। तो ये हमने कर दिया इसको, और यहाँ पे जाके इसका जो इंटरफेस है उस पर चलते हैं और F0/1 और इसको IP एड्रेस असाइन करेंगे 222.150.11.6 255.255.255.252 और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। तो ये भी हमने कर दिया। इसके बाद जो है सेकेंड इंटरफेस जो हमने बनाना है वो F0/0 जो कि लोकल एरिया नेटवर्क है इस कंपनी का, उसके ऊपर हम IP एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.100.1 255.255.255.0, इसको भी कर देते हैं नो शटडाउन। तो ये भी हमने कर दिया, और साथ ही साथ क्योंकि ये IP एड्रेस जो है वो कहाँ से DHCP उठाएगा, वो राउटर के ISP के राउटर से उठाएगा, तो यहाँ पे हम IP हेल्पर डालेंगे, IP हेल्पर एड्रेस जो कि है 222.150.11.1 जो कि ये ISP के खुद के राउटर के ऊपर में कॉन्फ़िगर्ड है। तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं और यहाँ से करते हैं एग्जिट, और यहाँ पे राउटर EIGRP 1 और नो ऑटो समरी, और यहाँ पे कौन कौन से नेटवर्क है उसको एडवर्टाइज कर देते हैं 222.150.11.0, ये नेबरशिप एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे कौन सा है एडवर्टाइज करना 192.168.100.1 को हम इसमें डाल देते हैं, ये कर दिया हमने। और ये करने के बाद जो है हम यहाँ से एग्जिट करते हैं, ये कर दिया हमने, इसको भी एग्जिट करते हैं, और अब चल के देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा IP एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर होना स्टार्ट हुए DHCP के ज़रिए के नहीं। तो हम DHCP पे करते हैं, और DHCP पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पे DHCP सक्सेसफुल हो गया है और IP एड्रेस भी यहाँ पे जो है वो मिल चुके हैं, और DNS भी बका रहा था बराबर मिल चुका है। दूसरे कंप्यूटर पे भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो इस पे जाके DHCP पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई। और इसके बाद जो है अब ये चेक करना है कि ये जो DNS सर्वर है आपका ISP का वो नेटवर्क को जो है रिजॉल्व कर रहा है नेम्स को कि नहीं कर पा रहा है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और वेब पे, और यहाँ पे जाके जो है हम यहाँ पे गूगल के सर्वर जो हमने बना के रखा है google.com जो है उसको एक बार फैच करके देखते हैं। तो पहली बार में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये क्या है कि ARP रिक्वेस्ट वगैरह से आपकी रेडी होनी है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो गूगल जो है आपका आ चुका है। अब इमीडिएटली हम यहाँ पे क्या करते हैं yahoo.com पे चलते हैं, yahoo.com लिखते हैं और यहाँ पे देख सकते हो yahoo.com भी इमीडिएटली हमारे पास ओपन हो चुका है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे भी इसी ISP ने जो है इसको DHCP के ज़रिए मैनेज भी कर लिया है। और यहाँ पे जो है आपको अगर चेक करना है कि कौन कौन सी बाइंडिंग्स यहाँ पे हुई है तो वो आप यहाँ पे जाके राउटर के ऊपर, अब देखो ISP पूरा सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता है, तो यहाँ पे जो है वो चेक कर सकता है शो IP DHCP बाइंडिंग चेक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो 16 वाला जो नेटवर्क है यानी कि सोसाइटी, उसके अंदर कौन कौन से IP एड्रेस है, यहाँ पे 3, 2, 4, 6 और 5, और यहाँ पे जो अभी हमने 2 असाइन करे कौन सा, और 100.2 और 100.3 जो है ये आपका कहाँ पर हुआ है, ये कंपनी ABC के अंदर हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो है अब ISP अपने ही राउटर से अपने क्लाइंट्स के पूरे नेटवर्क की जानकारी भी अपने पास रख लेता है। तो इसी तरह से जो है अगर वो DHCP मैनेज कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पास जो है पूरी इंफॉर्मेशन होगी भी है, राइट। तो ये हमने जो है यहाँ पे पूरा नेटवर्क रेडी कर दिया है। और अगर आपको यहाँ पे VLANs चलाने हैं तो अपन अगले वाले में इसमें क्या करेंगे, एक और यहाँ पे स्विच लगाएंगे जिसमें एक अलग VLAN बना के उसको जो है इस राउटर के साथ में VLAN किस तरह से कॉन्फ़िगर करा जाता है, सेम राउटर से जो है ISP अपने ही राउटर से VLANs को किस तरह से DHCP प्रोवाइड करता है उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी मैं आपको कल के वीडियो में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब, आप कुछ भी आपको डाउट है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। और साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो जल्दी से नीचे साइड पर सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।